हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारी वैदिक मैथ की सीरीज जो है OMG मैथ्स पे स्टार्ट हो चुकी है, तो हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, दैट इज मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर बाय 11। लास्ट वीडियो में हमने किया था 3 डिजिट नंबर, एंड नाउ वी आर डूइंग 4 डिजिट नंबर बाय 11। देखिए, ये तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप हमेशा करते आए हैं, तो मैं आपको सिंगल लाइन में सिखाऊंगी कि आप सिंगल लाइन में कैसे इसको कर पाओगे। देखिए, सिंपली आप क्या करोगे, ये जो 2 है ना, इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। 3 डिजिट में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, लास्ट नंबर हमने यहाँ लिख लिया, 2 को आपने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 डिजिट ले लो। नेक्स्ट 2 डिजिट लिए, इनको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। नेक्स्ट 2 डिजिट्स को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 4 + 2 दैट इज 6। अब आपने इस 4 को छोड़ देना, नेक्स्ट 2 डिजिट ले लो। 4 + 2 दैट इज 6। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट इस 4 को छोड़ दोगे। अब ये 2 है आपके पास, इसके साथ ही आप नेक्स्ट डिजिट ले लो, दैट इज 2 और 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगेन 6। और नेक्स्ट जो है लास्ट आपका जो डिजिट बचता है उसको ले लो, दैट इज 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, आंसर आपका सेम आया है, बट ये आप सिंगल लाइन में इसको कैसे कर पाओगे और विद इन 2 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे पाओगे, और ये तो काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको ऐसी और बहुत सारे ट्रिक्स मैं और भी लेके आने वाली हूँ OMG मैथ्स पे। पूरा वैदिक मैथ्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, कुछ भी वीडियोस आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्ट वाइज आपको सारा मटेरियल मिलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय।